भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के छतरपुर में सभा को संबोधित करने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद रावण का भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने नौगांव नगर में भव्य स्वागत किया। चंद्रशेखर आजाद ने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सरकार को जमकर कोसा और 2023 में विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर दलितों की आवाज बनेगी, तो वही दलितों के सेवा संवैधानिक अधिकारी को सुरक्षित करने मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी मजबूती से उभर कर सामने आने की बात कही। सारा छतरपुर आने का क्या उद्देश्य है, क्या पार्टी का उद्देश्य है? छतरपुर हमारी बहुजन स्वाभिमान सभा है, इस सभा में शामिल होने के लिए लोग आए और छतरपुर में जिस तरह से बहुजन समाज के लोगों के साथ हक अधिकार उनके छीने जा रहे हैं, अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को का जवाब देने के लिए और अपने लोगों के विश्वास दिलाने के लिए कि वो कमजोर नहीं है, अकेले नहीं है, सब लोगों के साथ है, उन्हें किससे डरने घबराने की जरूरत नहीं, डरते घबराते तो नहीं लेकिन फिर भी वो सत्ता के आगे कमजोर ना पड़े, उनके सारे अधिकारों की लड़ाई आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी लड़ेगी। इसी संदेश के लिए हम लोग आए हैं, अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए और हमारे लोग तैयार हैं कि वो अब जो स्थापित दल के भरोसे न रहकर आजाद समाज पार्टी को ताकत। आगामी 2023 में चुनाव है तो उसमें क्या सभी जगह सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी तय करेगी किन सीटों पर लड़ेगी लेकिन और